बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। 15 दिन में लटकता हुआ पेट, लटकते हुए कूल्हे, दुबली मोटी रानों की चर्बी पिघलाने का हैरत अंगेज टोटका। सर्दियों में अपने वजन में खातिर खा कमी लाएं और अपने मोटापे से निजात पाएं और अच्छी सेहत पाएं। नाज़रीन, मोटापे की वजह से इंसान मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हो रहा है। नाज़रीन, इजाफी चर्बी को कंट्रोल करने के लिए आप बहुत से टोटके अगर आजमा चुके हैं लेकिन आपको कोई कारामत साबित नहीं हुआ, तो आप इस टोटके को ज़रूर आजमाएं। ये सेहत के लिए मुफीद है, सेहत के लिए नुकसानदेह नहीं है और ख़ासतौर पर सर्दियों में इस्तेमाल होने के लिए बेहतरीन है। नाज़रीन, आपको कुछ बातें जहन में रखनी चाहिए। सुबह की सैर 15 से 20 मिनट आप कर लिया करें, हल्की फुल्की वॉक कर लिया करें। अपने खाने पीने में एहतियात करें, 15 से 20 दिन तक आप हल्की फुल्की गिजाएं खाएं और पानी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह आपके जिस्म की फालतू चर्बी पिघलती चली जाएगी, आप खुद को एक हल्का इंसान समझेंगे। सब काम काज करने में भी आपको आसानी होगी, आपके जोड़ों और हड्डियों में दर्द भी महसूस नहीं होगा। अक्सर मोटापे की वजह से खवातीन काम काज नहीं कर पाती हैं, तो किसी खवातीन का ब्लड प्रेशर का मसला होता है, किसी का शुगर का मसला होता है। मर्द हजरात के लिए भी ये बेहतरीन इलाज है, वो भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। नाज़रीन, अपने मोटापे को ख़त्म करें, अपने वज़न को कंट्रोल करें। एक बेहतरीन ट्रिक है जो मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ। नाज़रीन, आपने करना ये है कि 1 कप नीम गर्म पानी लेना है, इसमें 1 चम्मच दालचीनी का पाउडर मिलाना है और 2 चम्मच शहद मिक्स कर लेना है। 1 कप नीम गर्म पानी में 1 चम्मच दालचीनी का पाउडर और 2 चम्मच शहद मिक्स कर लें अच्छी तरह से। इन अज्जा को 1 कप में, यानी नीम गर्म पानी वाले कप में अच्छी तरह से मिक्स करें और फिर नहार मुंह पिए और दिन के खाने के बाद पी लें, यानी दिन में 2 कप आपने पी लेना है। इंशाल्लाह 15 दिन के अंदर अंदर 10 किलो आपका वजन भी कम हो जाएगा, आपका मोटापा भी खत्म हो जाएगा, लटका हुआ पेट भी ठीक हो जाएगा, लटकते कूल्हे और दुबली राने, इन तमाम हिस्सों की फालतू चर्बी आसानी से पिघलना शुरू हो जाएगी और आप खुद को हल्का फुल्का महसूस करेंगे। नाज़रीन, इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।